स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम आपको जूनागढ़ के प्रसिद्ध स्थल दामोदर कुंड की सैर पर ले चलते हैं। दामोदर कुंड एक पवित्र गिरना तलहटी में आया। गिरना तलहटी में कई देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, सिद्ध महात्माओं के कई मंदिर और जगह है। इन सभी पावन कार्य और मंगलकारी जगह में से एक जगह दामोदर कुंड जूनागढ़ शहर से गिरना तलहटी की ओर आते हुए मुख्य मार्ग पर प्रसिद्ध और पवित्र दामोदर कुंड है, जो सोनरख नामक नदी के बीच में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि श्री नरसिंह मेहता ने कई बार भक्ति प्रेम से बारंबार भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए विवश किया था। जब भी भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते तब श्री नरसिंह मेहता दामोदर कुंड में पहले स्नान करते और भगवान श्री कृष्ण को पुकारते थे। गिरनार जाने वाले सभी यात्रालु, श्रद्धालु, दर्शनार्थी, पर्यटक दामोदर कुंड में स्नान अवश्य करते हैं। माना जाता है कि जब तक आप दामोदर कुंड में स्नान नहीं करते तब तक आपकी गिरनार की यात्रा चाहे किसी भी वजह से हो वो अधूरी रहती है। बिना दामोदर कुंड में स्नान किए बगैर आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। दामोदर कुंड पवित्र गिरनार की एक मुख्य जगह है, जो एक पौराणिक स्थल है। किनारे पर राधा दामोदर मंदिर और रेवती बलदेव मंदिर मुख्य मंदिर है। दामोदर कुंड में अस्थि विसर्जन और तर्पण जैसी क्रियाओं का विशेष महत्व है। दामोदर कुंड में गिराई की अस्थियां बिल्कुल गल जाती है, ऐसी एक प्रचलित मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए सभी मुनि तपस्वी और देवताओं को आमंत्रित किया। सभी ने स्नान के लिए अपने अपने तीर्थ जल की इच्छा जताई। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने समस्त संसार के सभी तीर्थ जल को एक ही जगह आमंत्रित कर एक ही जगह इकट्ठा किया और अपने कमंडल में से गंगा जी को भी उन सभी तीर्थ जल में मिलाया। उस दिन से यह जगह पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, शिप्रा, चरमणवती, वेदिका, गंडकी, सरयू, गोदावरी, तापी सहित सभी नदियां एवं समस्त तीर्थ जल और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र जैसे देवताओं सदा के लिए निवास हो गया। प्रजापति ब्रह्मा जी के कारण यह सभी संभव हुआ, इसीलिए यह स्थल ब्रह्मकुट कुंड कहलाया जाता है। यज्ञ समाप्ति के बाद जब सभी देवताओं जा रहे थे तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को उस तीर्थ स्थल पर लक्ष्मी जी सहित निवास करने का वचन मांगा, जिस वजह से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी राधा दामोदर स्वरूप में विराजमान हो गए और दामोदर भगवान के कारण यह कुंड दामोदर कुंड कहलाया गया। जो भी मनुष्य पवित्र भाव से, शुद्ध मन से एक कड़ी के लिए भी यह तीर्थ में निवास करता है वो देव पद प्राप्त करता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का भी वास माना जाता है। और जो शिवरात्रि पर यहाँ बड़ा मेला लगता है जिसमें काफी श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करके फिर गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ जो भवनाथ का मेला बोला जाता है वहाँ पर उस समय भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। इसी तरह ये पवित्र दामोदर कुंड सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही उत्तम जगह है। अगर आप जूनागढ़ दर्शन के लिए आ रहे हो और यहाँ पर गिरनार
पर्वत पर जा रहे हो तो यहाँ दामोदर कुंड की यात्रा करना मत भूलेगा, और शक्य हो तो यहाँ पर स्नान करना मत भूलेगा, स्नान करके अपने आप को पवित्र करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहीं पर हमारी वीडियो खत्म करते, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।